हेलो भाई पीयूषगर, वेलकम बैक टू आवर अनदर वीडियो। तो ये है अपने पास स्कॉर्पियो Z6। अभी ये भाई स्कॉर्पियो Z8 लग्जरी वेरिएंट तो आपने देखा होगा, ये स्कॉर्पियो Z6 का वेरिएंट है। Z2, Z4, Z6, Z8, Z6 आ चुकी है मार्केट में। अगर आप प्लान कर रहे हैं अपनी स्कॉर्पियो Z6 तो आप प्राइम ऑटोमोबाइल्स फरीदाबाद पर बिल्कुल कॉल कर सकते हैं। नंबर आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा होगा। अभी स्कॉर्पियो Z6 के अंदर भाई क्या क्या मिल जाता है, हमें अभी इसकी प्राइस रेंज की बात करें तो 15,80,000 रुपये इसका एक शोरूम प्राइस है। 17,50,000-18,00,000 रुपये तक की इसकी ऑन रोड प्राइसिंग पड़ती है स्कॉर्पियो Z6 के अंदर। अभी हमें क्या क्या पड़ जाता है, इसकी ओवरऑल लुक देख लीजिए एक बार। फ्रंट लुक कुछ ऐसी है और ये साइड लुक है। अभी इसकी पीछे की लुक देख लेते हैं। ओवरऑल लुक देखने के बाद में इसकी गाड़ी के बारे में बात करेंगे कि गाड़ी के अंदर हमें फीचर्स क्या क्या मिल जाते हैं। एड्रेनॉक्स की बैजिंग मिल जाती है इधर, स्टील व्हील मिलते हैं इसके अंदर, ये देख लीजिए। टायर सेक्शंस की बात करेंगे, सब चीज़ की बात करेंगे भाई। तो चलिए, ये है की अपनी स्कॉर्पियो N की Z6 की। ये प्राइमरी की है, लॉक अनलॉक एंड फॉलो मी का बटन है, ये देख लीजिए बॉप बॉप होगी, ये देख लीजिए। सेकेंडरी की बात करें तो उसके अंदर कुछ ऐसा ऑप्शन नहीं मिलता है, लॉक कर लिए। तो अब भाई हमें फ्रंट प्रोफाइल में स्कॉर्पियो N का नया वाला लोगो मिल जाता है, स्पार्क वाला लोगो जो डुअल लोगो आया है। अभी यहाँ पर भाई ग्लॉसी ब्लैक पार्ट मिल जाता है ग्रिल का, और यहाँ सिल्वर फिनिशिंग मिल जाती है, साटन फिनिश है। अभी यहाँ पर हेडलैम्प्स यूनिट्स की बात करें तो ये हेलोजन बेस्ड है, ये भाई हाई बीम है और ये लो बीम है। यहाँ पर इंडिकेटर मिल जाता है हेलोजन बल्ब के साथ। हाउसिंग मिल जाती है फॉग लैम्प की। नीचे आपको फ्रंट पार्किंग सेंसर्स नहीं मिलते, और जहाँ पर जगह दी गई है आप फ्रंट पार्किंग सेंसर्स लगवा सकते हैं। तो यहाँ पर हाउसिंग मिल जाती है, ये कुछ इस तरीके से मिल जाता है। अभी देख लीजिए साइड प्रोफाइल कुछ ऐसी है, ब्लैक ग्लाइडिंग एरिया मिल जाता है। टायर सेक्शंस की बात करें तो यहाँ पर आपको स्टील व्हील मिल जाता है, ब्लैक कलर का अपोलो का टायर मिल जाता है, 245/65R17 17 इंच का आपको व्हील मिलता है स्कॉर्पियो N के अंदर, स्टील व्हील। वेंटिलेटेड डिस्क मिलती है आपको फ्रंट में भी और रियर में भी, चारों टायर में आपको वेंटिलेटेड डिस्क मिलती है। अभी इतनी कीमत देने के बाद इसमें Z6 का जो वेरिएंट है, इसमें जो एक खासियत है वो एक बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि इसके अंदर भाई आपको सनरूफ मिलती है, ये देख लीजिए। और आपको इसके अंदर जो वाइपर मिलते हैं ना, वो बहुत ही ज़्यादा एडवांस मिलते हैं, मतलब नॉर्मल वाइपर्स नहीं है, एडवांस वाइपर्स मिलते हैं। फ्रेंडर पर आपको कोई इंडिकेटर नहीं मिलता, ORVM पे इंडिकेटर मिलता है, और बॉडी कलर्ड ही आपको ORVM मिलते हैं, और बॉडी कलर्ड ही आपको डोर हैंडल्स मिलते हैं। अभी ये ए पिलर और बी पिलर देख लीजिए, ग्लॉसी ब्लैक मिलता है दोनों ही पिलर आपको। ये बड़ी सी 7-सीटर SUV द बिग डैडी मानी जाती है। इसके अंदर जो फ्यूल टैंक कैपेसिटी 57 लीटर की डीजल की फ्यूल टैंक कैपेसिटी है, कुछ ऐसे ही, ये देख लीजिए अनलॉक हो गया। अब ये डीजल है BS6 का नॉर्म फेज 2 जो आए थे, इसमें भाई यूरिया भी डलेगा महिंद्रा की तरफ से, DEF जिसको हम बोलते हैं, जो यहाँ से डलेगा एड ब्लू की भाई फ्यूल टैंक कैपेसिटी आपको 10 लीटर की मिलती है। एड्रेनॉक्स की बैजिंग मिलती है। रियर टेल लैंप्स की बात करें तो ये LED बेस्ड हैं, यहाँ पर हेलोजन बेस्ड बल्ब हैं, टर्न इंडिकेटर और रिवर्स लैंप के लिए, और ये पूरा यूनिट जलती है। और यहाँ पे हाई माउंट स्टॉप लैंप है, वॉशर आपको पीछे मिल जाता है और वाइपर मिल जाता है। ये पैनल डोर है खोलने के लिए, आपको हैंडल मिल जाता है, पीछे आपको स्कॉर्पियो का लोगो मिल जाता है, स्कॉर्पियो N की बैजिंग मिल जाती है 3D में। यहाँ पर AX और मतलब Z6 की कोई बैजिंग नहीं मिलती। पीछे वाले बम्पर में आपको 4 रिवर पार्किंग सेंसर्स मिल जाते हैं। पीछे से आपको यहाँ हेलोजन बेस्ड बल्ब मिल जाता है, ये रिफ्लेक्टर मिल जाता है टोचन के लिए मिल जाता है, और ये सिल्वर पार्टन शार्टन फिनिश मिल जाता है। नीचे आपको स्पेयर व्हील भी मिल जाता है। अभी देख लीजिए कुछ इस तरीके की लुक है, आपको डीप फॉगर भी मिलता है इसके अंदर। भाई 18,00,000 रुपए की गाड़ी है तो इतनी सब चीज़ तो मिलेंगी, इंफोटेनमेंट सिस्टम वगैरह सब कुछ मिल जाता है अंदर। चलेंगी अभी गाड़ी के, ब्लैक ग्लाइडिंग कुछ इस तरीके से, ये देख लीजिए आपको रूफ ग्रिल्स भी मिल जाती हैं ऊपर, और सनरूफ तो मिलती ही मिलती है, ये देख लीजिए भाई शार्क फिन एंटीना भी ऊपर मिल जाता है। तो चलिए, ये तो होगी भाई एक्सटीरियर फीचर्स की बात। जो इसके ORVM है वो फोल्डेबल नहीं है, इलेक्ट्रिकली आप एडजस्ट कर सकते हैं अपने तरीके से। IRVM भी इसका मैनुअली है। अब इस गाड़ी के अंदर भाई 2.2 लीटर का डीजल इंजन आता है, जो कि भाई 172 BHP निकालता है और 370 NM का टॉर्क निकाल कर देता है, 4-सिलेंडर इंजन है ये। तो अब भाई अपनी स्कॉर्पियो N की जो सस्पेंशन किट है ना, वो बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त है, और स्टेयरिंग की बात करें तो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है, मतलब एक हाथ से आप पूरा रोटेट कर सकते हैं बिल्कुल नॉर्मली विदाउट एनी फोर्स। तो गाड़ी बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त है। इसकी जो भाई ये ग्राउंड क्लियरेंस है ना, वो भी
वो भी आपको भाई 187 mm के ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाती है, काफी अच्छी है। सस्पेंशन देख लीजिए, शॉकर कुछ इस तरीके के हैं, ये देख लीजिए पूरी यूनिट। वेंटिलेटेड डिस्क आपको फ्रंट में भी और रियर में भी, ये देख लीजिए यहाँ से रियर में भी आपको डिस्क मिलता है। अभी बहुत ज़्यादा तगड़ी है, अब अंदर से चल के दिखाऊंगा। ये 7-सीटर लग्जीरियस गाड़ी हम बोल रहे हैं, वैसे लग्जरी पैक नहीं है, ये Z6 नॉर्मली है। Z8 आता है लग्जरी पैक में, उसके अंदर तो बहुत ज़्यादा चीज़ें मिलती हैं, फुटरेस्ट इसके अंदर नहीं मिलता, आप एक्सेसरीज का पार्ट लगवा सकते हैं। तो चलिए भाई एक बार अंदर चल के देखते हैं। डोर हैंडल हमने कर लिया ओपन, ड्राइवर साइड वाला गेट खोलते हैं। डोर पैनल पर आपको दो इंटीरियर मिलते हैं, ब्राउन फिनिशिंग मिलती है, ये सॉफ्ट टच नहीं है, हार्ड टच है, ये सारा ही कुछ हार्ड टच है। अभी यहाँ पर बोतल होल्डर की प्लेसमेंट मिलती है, स्पीकर की प्लेसमेंट मिल जाती है, ये सिल्वर साटिन फिनिशिंग में ये कुछ पैनल मिल जाता है, अनलॉक डोर हैंडल्स मिल जाते हैं, ट्विटर मिल जाता है। तो यहाँ पर हम सीट्स की बात करें तो लेदर ऑन फैब्रिक सीट्स मिल जाती हैं, मतलब फैब्रिक सीट मिलती है। यहाँ पर 6-way हाइट एडजस्टेबल और रिक्लाइनर और ये लंबर सपोर्ट मिल जाता है, ये देख लीजिए। अगर हम इसको घुमाते हैं तो ये थोड़ा थोड़ा सा देखिए फूलता नज़र आ रहा होगा, इसको अगर पीछे कर लेते हैं तो ये अपना नॉर्मली हो जाता है। ये इसको आप आगे पीछे भी कर सकते हैं सीट को इस तरीके से। यहाँ पर आपको मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ डेड पेडल भी मिलता है इधर, तो ये रेस ब्रेक और क्लिच मिल जाती हैं बूट ओपन करने के लिए, यहाँ से सॉरी अपना हुड ओपन करने के लिए। यहाँ पर कोई भी बटन्स नहीं दिए गए, हेडलाइट्स की यूनिट मिल जाती है ऊपर नीचे करने के लिए। इंटीरियर में चलें तो एक सबसे पहले ये हैंडल मिलता है अंदर बैठने के लिए, मतलब आप इसको पकड़िए कुछ इस तरीके से और सीट गाड़ी के अंदर आ जाइए इंटीरियर पे। अब बात करेंगे हम अपने इंटीरियर की, तो ये डुअल ब्लैक फिनिशिंग के साथ इंटीरियर मिल जाता है। एक बार मैं इसका शीशा लगा लेता हूँ, भाई बहुत ज़्यादा धूप आ रही है गाड़ी में। तो यहाँ पर आपको भाई ये मिल जाता है, आपको ORVM आप इलेक्ट्रिकली एडजस्ट कर सकते हैं, फोल्ड नहीं कर सकते। चारों पावर विंडो मिल जाती है, लॉक अनलॉक का पूरी गाड़ी लॉक अनलॉक का बटन मिल जाता है यहाँ से, और यहाँ से आप अपनी पावर विंडो को ऑन ऑन ऑफ कर सकते हैं चारों को। स्टेयरिंग पे आ जाते हैं, स्कॉर्पियो एन का बैजिंग मिल जाती है, स्कॉर्पियो का लोगो मिल जाता है महिंद्रा का। आपको वॉल्यूम के बटन मिल जाते हैं, कॉल पिक करने का बटन मिल जाता है, क्रूज कंट्रोल मिल जाता है, रिज्यूम का बटन मिल जाता है और क्रूज कंट्रोल को सेट करने का ऑप्शन मिल जाता है। हेडलैम्प्स यूनिट को आप यहाँ से ऑन कर सकते हैं, ये ऑटो नहीं है भाई मैनुअली है, आपको अपने हिसाब से रात हो गई है तो आप ये ऑन करनी पड़ेगी। यहाँ आप अपनी वाइपर यूनिट को चला सकते हैं कुछ इस तरीके से, ये देख लीजिए। और बात करें इस गाड़ी के इंफोटेनमेंट सिस्टम की, तो ये टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम है, एंड्रॉयड ऑटो एंड ऐप पर कार प्ले दोनों ही इसके अंदर मिल जाता है आपको। वॉल्यूम अप डाउन आप यहां से कर सकते हैं और ट्यून को सेट आप यहां से कर सकते हैं, कॉल पिक आप यहां से कर सकते हैं, होम पर जा सकते हैं और ऑटो एसी मिलता है इसके अंदर, ये देख लीजिए। ट्रैक्शन कंट्रोल भी आपको इसके अंदर मिल जाता है, ये मिल जाता है भाई आपको, तो ये मिल जाता है आपको आइडियल स्टार्ट स्टॉप बटन। हजार्ड लैंप आप यहां से ओपन कर सकते हैं, यहां पे कुछ स्पेस मिल जाता है। पैसेंजर ऑन एयरबैग को ऑन एंड ऑफ कर सकते हैं अपने तरीके से। दो चार्जिंग सॉकेट मिल जाते हैं, 6-gear ट्रांसमिशन मिल जाता है जो कि डीजल इंजन है, दो कप होल्डर मिल जाते हैं, आर्मरेस्टर आपको मिल जाता है कुछ सॉफ्ट टच के साथ, इतनी स्पेस मिलती है आपको आर्मरेस्ट में। मैनुअल हैंड ब्रेक मिल जाती है, यहाँ पर भी एक लेदर एट का काम मिल जाता है। ड्राइव मोड पे आप गाड़ी कर सकते हैं, अगर आप आ रहे हैं भाई अपने पहाड़ों से नीचे आ रहे हैं तो इस ऑप्शन को ऑन कर सकते हैं ताकि गाड़ी ज़्यादा नीचे ना जाए बार बार। और SOS इमरजेंसी बटन आपको यहाँ मिल जाएगा, ये वाला देख लीजिए, डिसमिस कर देता हूँ मैं इसको। अब यहाँ पर हम क्लस्टर एरिया की बात करें तो वो आपको यहाँ मिल जाता है डिजिटली, पूरा डिजिटली मिल जाता है ये कुछ, बस इसमें एनालॉग्स मिलते हैं स्पीडो के और RPM के, बीच में छोटी सी MID आपको मिलती है। ट्रिप ए यहाँ से भाई देख लीजिए कुछ ऐसे इस तरीके से ऑप्शन मिल जाते हैं आपको, वीयर सीट बेल्ट्स, फ्यूल इंगेज का, RPM मीटर और ये हजार्ड लैंप ऑन है, इसको मैं बंद कर लेता हूँ, ये देख लीजिए कुछ इस तरीके से। चेक टायर डायरेक्शंस, मतलब अभी हैंडल मोड़ा पड़ा है तो टायर की डायरेक्शन बता रहा है। इसके अंदर TPMS भी मिल जाता है, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम वो आपको मिल जाता है। IRVM आपको मैनुअली मिलता है। अभी यहाँ पर आपको मैं बता रहा था ना कि आपके इसके अंदर सनरूफ भी मिलेगी, सनरूफ भी मिल जाती है, ये देख लीजिए बहुत ही ज़्यादा, मैं कह रहा हूँ बहुत अच्छा है इसका मटेरियल क्वालिटी है, देख लीजिए इसको क्लिक करते ही बहुत ही स्लोली ये नीचे आता है और गाड़ियों में देखा है पट से लटक जाता है। सनसेट्स की बात करें तो आपको यहाँ पर ये विदाउट टिकट होल्डर सनसेट्स मिल जाते हैं, बहुत हार्ड प्लास्टिक है, बहुत अच्छी फिट एंड फिनिश है भाई। फर्स्ट लॉट की गाड़ियों में तो बहुत सी खूबियाँ और बहुत सी बातें सुनने में आई थी कि ये है गाड़ी में वो है, अब सेकंड लॉट की गाड़ियों में तो मेरे को लग नहीं रहा कोई परेशानी आएगी। इसके अंदर भाई आपको 2 एयरबैग मिलते हैं इस गाड़ी के अंदर और 5-star रेटेड ग्लोबल एनकैप के साथ एयरबैग की बैजिंग यहाँ पर ये देख लीजिए।
और स्कॉर्पियो एन की बैजिंग मिल जाती है। यहाँ पर एसी वेंट्स की बात करें तो 4 एसी वेंट्स मिल जाते हैं। ग्रैवेंडर्स की बात करें तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ग्रैब हैंडल्स आपको इस गाड़ी के अंदर मिल जाते हैं। और ये देख लीजिए अपनी स्कॉर्पियो एंड सनरूफ यहाँ से ओपन करके न्यू असेंबली लगा दी गई है, जो कि अब बात आ रही थी लीकेज वगैरह की। अभी मैं ऊपर चल के दिखाऊंगा कि कितनी है, मतलब बेल्ट वगैरह जो लगाई गई थी वो किस तरीके से अब करी गई है। अभी यहाँ पर आपको ये मिल जाता है भाई माइक का सिस्टम, दोनों लाइट्स आपको यहाँ पर मिल जाती हैं, कुछ इस तरीके से जलेंगी ये लाइट देख लीजिए। तो चलिए एक बार पीछे चलकर देखते हैं अपनी स्कॉर्पियो एन में Z6 में क्या मिलता है। डोर पैनल में आपको स्पीकर मिलेगा, बोतल होल्डर की प्लेसमेंट मिलेगी, पावर विंडो का बटन मिलेगा और ये देख लीजिए इस तरीके से बिल्कुल, मतलब करूँ आगे और पीछे वाला दोनों, ये चाइल्ड लॉक मिलेगा, ये देख लीजिए चाइल्ड लॉक मिलेगा आपको। यहाँ पर जो सीट्स हैं बड़ी ज़्यादा कम्फर्टेबल्स हैं, आप 2 एसी वेंट आपको पीछे मिल जाते हैं, यहाँ पर फैन स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं, चार्जिंग सॉकेट आपको मिल जाता है, मतलब सारी चीज़ें मिल जाती हैं आपको, लाइट भी यहाँ पर पीछे मिल जाती है और अच्छा खासा आपको लेग रूम और हेड रूम की तो बात ही ना करें भाई, वीडियो में अच्छा खासा लेग रूम मिल जाता है और अच्छा खासा हेड रूम मिल जाता है इसके अंदर। तो चलिए ये अपनी स्कॉर्पियो एन एक बार सनरूफ में आपको ऊपर दिखा देता हूँ। पीछे आपको भाई स्पॉयलर भी मिलता है कंपनी की तरफ से। अभी एक इसकी सनरूफ में आपको दिखा देता हूँ ऑन करके, एक बार सनरूफ को मैं खोल लेता हूँ, यहाँ से सनरूफ खुलेगी तो एक बार गाड़ी को कर लेता हूँ ऑन। तो ये अपनी सनरूफ देखिए ओपन हो चुकी है पूरी, कुछ इस तरीके से यहाँ से बटन ओपन करके, मतलब अब मैं इसको बंद कर लेता हूँ, ये देख लीजिए सनरूफ बंद हो चुकी है बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से, ये देख लीजिए इसको कर लेते हैं बंद शेड को। तो ये अपनी स्कॉर्पियो एन का बूट कुछ इस तरीके का यहाँ से खुलेगा, यहाँ पर आपको सस्पेंशन मिल जाता है ये, मतलब सॉरी शॉकर मिल जाता है। 460 लीटर का बूट स्पेस है, ये देख लीजिए अच्छा खासा स्पीकर की प्लेसमेंट मिलती है, पीछे सीट्स को रिक्लाइन कर सकते हैं बढ़िया तरीके से। अब एक बार इंजन दिखा देता हूँ आपको अपनी स्कॉर्पियो एन का Z6 का। तो ये है भाई 2.2 लीटर का डीजल इंजन मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ, 4 सिलेंडर इंजन है जो कि भाई 172 bhp निकाल कर देता है, 172 bhp और 370 mm का टॉर्क आपको मिल जाता है, तो 370 mm का टॉर्क मिलता है इस गाड़ी के अंदर, इस इंजन के अंदर बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त इंजन है ये। और भाई 2-wheel ड्राइव है ये, अब देख लीजिए कुछ इस तरीके इंजन गार्ड आपको नीचे मिल जाता है, इंसुलेटिंग पैडिंग मिल जाती है, इंसुलेटिंग पैडिंग इंजन कवरेज आपको पूरी मिल जाती है, मतलब कैबिन की नॉइस कम करने के लिए सारी चीज़ें मिल जाती हैं आपको इस स्कॉर्पियो एन के अंदर। ग्लोबल एनकेप के थ्रू वो 5-star रेटिंग मिल जाती है। तो ये थी अपनी स्कॉर्पियो एन Z6 वेरियंट, आपको कैसी लगी गाइज कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं आपकी क्या राय है इस गाड़ी को लेकर। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, लव यू ऑल गाइज, ऐसी बेहतरीन वीडियो देखते रहिए।